हैदर भाई जी, ये जो लेडी है ये कितने पैसे लेके आई है बड़ोस से? ये कम से कम 20,000 रुपए 20,000 रुपए लेके आई है। ये परसों बड़ोस थी, बड़ोस से 15-20 हजार रुपए लेके आई है वहां से। कहाँ के रहने वाली हो? बर्मा की? बर्मा की हो ना? अम्मी एड्रेस लिखा से अमल लगे। अच्छा दिखाओ एड्रेस, दिखाओ। ये एड्रेस है? कितने राज्यों के नाम है? है जी अम्मी यही रास्ता दिया जाई बाम। अच्छा अच्छा, पहले आप बिहार जाओगे, फिर बंगाल जाओगे, फिर असम जाओगे, फिर नागालैंड जाओगे, हैं? डब्रूगढ़ जाओगे, अरुणाचल प्रदेश जाओगे, ईटानगर जाओगे, शिलोंग जाओगे। कितने साल, कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे? देखिए ये एप्लीकेशन दिखा रही है, ये क्या है, मतलब ये हमारे बस स्टैंड छोड़ा है। जाओ बस स्टैंड छोड़ा दे आपको? हाँ, लगे 6,000 रुपया से अमर। अम्मी एक भाई रे दीसी रकबर लगी। कितने पैसे दिए आपको? अम्मी रकबर दीसी 6,000 रुपया 6,000 रुपये दिए है तुमने किसी को? एम्बेसी छुड़वा दे, एम्बेसी ना, एम्बेसी तो हमारे रोंगिया घोषित कर दे बार बार। अच्छा तो अम्मी यही रास्ता दिया घर जाइब हम। दादा नी दादा ले रहा अम्मा, दादा ले वा? नहीं दादा नहीं, दादा नहीं, एक तो दादा है नहीं ऐसा डॉक्टर रोंडू। हाँ अम्मी दो ही जाने, अम्मी दो ही जाने। क्या बोल रहे हैं? यो कह रही हम दो ही जने हैं, मेरा आदमी नहीं है, हम वर्मा शहर से है। अच्छा अच्छा, वर्मा शहर कैसे आओ? बिहार है, बंगाल, आसाम, नागालैंड, एरुम एरुम कहरा बॉर्डर पार होए जाइबम। बॉर्डर है अल्प फाइन जमा करबर लगबो। और अमर अब्बा कुरैशी, अब्बा कुरैशी, हां तो अमर अब्बा बॉर्डर है बहुत नाम से, तो आमी बॉर्डर तक पहुंचे जाइबम तो आगे जाते पर जिन कह रही मुझे बॉर्डर लो छुड़वा दो, उसके बाद फिर मैं अपने घर जा सकती हूँ। मेरे पापा कुरैशी, इसके पापा नुगेरी बॉर्डर पे मिल जाएंगे, वर्मा शहर से आई हो। मैं बता दूं इन्हें, ये परसों बड़ोस थी, बड़ोस से 15-20 हजार रुपए लेके आई है वहाँ से। इनको गाड़ी से छुड़वाया था, कार से छुड़वाया था, कहाँ छुड़वाया था? कहाँ छुड़वाया था? इसको इसको छुड़वाया था बस अड्डे पे, अब वहाँ एम्बेसी के पास में, वहाँ से फिर आ गई, ये धंधा फिर बना लिया इसने, ठीक है ना? अब पुलिस आएगी, इसको गिरफ्तार कराएंगे, ठीक है ना? खाली बच्चा अलग करवा। हाँ ना, बच्चे भी जाएंगे, तुम भी जाओगे। बड़ोस गए थे ना परसों, 15,000 रुपए लेके आए हो ना? ना 15,000 कितने लेके आए हो फिर? 1 रुपया ना, बंगाली बाबू ले लो इसे सब। लेके आगे हैदर भाई जी, ये जो लेडी है ये कितने पैसे लेके आई है बड़ोस से? ये कम से कम 20,000 रुपए 20,000 रुपए लेके आई है। और 5,000 तो आपने दिए थे ना? हाँ, जानती नहीं है क्या? मेरा तो नाम जानती है, हैदर, हैदर। हाँ। जानते हो हैदर? जानते हो हैदर? नहीं जानते हो? उसने बोला कि जी मेरा एक कोई वकील था, उसने जमानत कराने के नाम पे मेरा किडनी निकलवा दिया, अपनी पत्नी, उसकी पत्नी का किडनी खराब था। क्या बोला, क्या बोला? कि इसका पति वो ये वहाँ से आई थी बर्मा से। अच्छा अच्छा। और इसका जेट इसे लेकर आया था यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और इसका पति एक्सपायर हो चुका, और इसका जेट इसे इलाज कराने के लिए लाया था, इसके दिल, इसके किसी बेटे के दिल में छेद है, ठीक है? और फिर ये बोली कि मुझे इलाज कराने के लिए ला था, मेरा जेठ मुझे छोड़ के भाग गया और मुझे 3 महीने फालतू हो गया। सेम डायलॉग इसने यहाँ पे मारा आगे, सेम डायलॉग यहाँ मारा, किडनी दे दी मैंने, मुझे इलाज के लिए लेके आया था, बच्चे मेरे वो हैं, और ये तो तुम्हें नहीं पहचान रही है, इसको पहचानती हो? पहचानती हो? वीडियो कॉल करना एक बार हैदर, यही लड़की है ना भाई? हाँ यही है, यही जी। और दो बच्चे भी होंगे उसके साथ में, दो बच्चे भी होंगे, एक बच्चा है बड़ा सा जो 7-8 साल का है लगभग, यही है ना?
ये लेडी कहीं भी मिले ध्यान रखिएगा, इसका यही काम है, ठीक है ना। ये दिखाएगी आपको बर्मा के रहने वाली हैं, लेकिन इसका काम ये है कि झूठ बोलेगी और पैसे लेगी आपसे, और पैसे भी नहीं ले, कम से कम जिस कॉलोनी में है उस पर क्या कर दे, बच्चा उठा के ले जाए तो कुछ नहीं पता। देखा आपने, ये महिला अपने आपको बर्मा की बता रही थी, लेकिन इसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे बंगाली हो। धंधा बना लिया इन्होंने अपना, धंधा ये है अलग अलग इलाकों में जाती है, अमूमन उन इलाकों में जाती है जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होते हैं, वहाँ जाके अपनी कहानी बताते हैं कि मैं बर्मा से आई थी, हमारे साथ में ये हुआ, इलाज के लिए आए थे, इलाज के नहीं हो पाया, किडनी निकाल ली। सामने वाले इंसान को अपने झांसे में लेकर वो कहीं से 20,000 कहीं से 15,000 लेके चले जाते हैं। और मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं बड़ौत में, यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मुशायद भाई एक लेडी है बर्मा की, उनकी किडनी निकाल ली गई है, उनके साथ में अत्याचार हुआ, उनकी कुछ मदद कीजिए। मदद पहुंचाई भी, मदद की भी। इस महिला को बाय रोड बाय कार से हमने, ड्राइवर के साथ में, एक लड़के के साथ में, हमने बर्मा एम्बेसी छुड़वाया इनको, और हमें हम मुतमईन हो गए थे कि भाई ये चलो बर्मा एम्बेसी चले गई है, अभी अपने घर पहुंच सकते हैं। लेकिन देखा अगले दो दिन के बाद फिर से ये दोबारा से एक मुस्लिम भवेल मुस्लिम इलाके में आके बैठ जाती हैं, अक्सर मस्जिदों के पास बैठती हैं, वहाँ बोलती हैं कि मुझे जाना है, मुझे बिहार जाना है, मुझे बंगाल के थ्रू जाना है, मुझे यहाँ जाना है। पैसे नहीं मांगती लेकिन इतना इमोशन कर देती है कि लोग पैसे इकट्ठे शुरू कर देते हैं करना, कॉलोनी में पैसे इकट्ठे करके कोई 15,000-20,000 इनको दे देते हैं, और महीने में ये आराम से 1-1.5 लाख रुपए कमा के अपना चंपत हो जाते हैं। तो आगे से ये महिला आपको जहाँ भी दिखे तो प्लीज़ इनकी बातों पर यकीन ना करें। एक इन्होंने एक धंधा बना लिया है इस तरह से लोगों को झूठ बोलने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिएगा। अगर आपके इलाके में ये महिला आती है तो कृपया करके इनको जाने के लिए बोलिएगा, और सचेत रहिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो से किसको इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है, आगे लोग बच सकते हैं इस प्रकार की ठगी से, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।